इंडियन शूटर्स हड़बड़ी में दिख रहे हैं। किसके? अरे भाई, पदक पर निशाना साधने के मामले में। जी हाँ, एशियन गेम्स 2023 के छठे दिन सुबह से ही जो इंडियन शूटर्स हैं वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पदकों पर निशाना साध रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। जी हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भी इंडियन शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भी शूटिंग में आज शिकस्त दी है। तो सारी चीजें बताऊंगा जो कुछ आज एशियन गेम्स में अब तक हुआ है। एशियन गेम्स का आज छठा दिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन गेम्स में इंडियन शूटर्स का धमाल जारी है और वो लगातार पदक जीत रहे हैं। और आपको बता दूं कि इंडियन शूटर्स ने आज तक जितने भी एशियन गेम्स हुए थे उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इसी एशियन गेम्स में दिया है। पिछले रिकॉर्ड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो शुरुआत करते हैं गोल्ड मेडल से। विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट में भारत ने जो है वो पाकिस्तान को पराजित किया। और खास बात ये रही कि पाकिस्तान को तो पराजित किया, लेकिन जो टॉप थ्री जो होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, उसमें से गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत के नाम आया। जी हां, पलक ने गोल्ड मेडल जीता तो ईशा सिंह को सिल्वर मेडल मिला। पाकिस्तानी शूटर पीछे रही ब्रॉन्ज मेडल के साथ। इसके अलावा जो दूसरा गोल्ड आया है आपको शूटिंग में आज, वो आपको बता दूं कि मेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम इवेंट में भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। जो भारत की तिकड़ी इसमें हिस्सा ले रही थी शूटर्स की, वो थे स्वप्निल कुशल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और अखिल। इन तीनों की तिकड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया और तब जाकर गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने 1769 अंक अर्जित किए जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अब हो गया है। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो यूएसए के नाम था, अमेरिका के नाम था, उसमें 1761 अंक थे। तो भारत जो है टॉप पर पहुंच गया है इस मामले में। इसके अलावा आपको बता दूं कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जिन्होंने की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में मदद की मेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम पोजीशन में, उन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में भी मेंस 50 मीटर राइफल का जो इंडिविजुअल इवेंट हुआ पोजीशन 3 के लिए, उसमें जो है वो रजत पदक जीता है और ये उनका कमाल का प्रदर्शन रहा। इसके अलावा एक और जो सिल्वर आया है, वो जो दिन का पहला मेडल आया था और वो आया था विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में, और वहां पर पलक, ईशा और दिव्या ने जो है वो मिलकर भारत को पदक दिलाया। बाद में पलक ने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और ईशा ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये पदक तो हुए, निशानेबाजी की मैंने बात कर ली। जो टेनिस है वहां से भी सिल्वर मेडल आया है, और वहां पर सिल्वर मेडल किन्होंने लाया है, तो भारत के रामानाथन और साकेत माइनेनी की जो डबल्स जोड़ी थी टेनिस में, वो फाइनल मुकाबला तो नहीं जीत सकी लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल जरूर हासिल किया है। फाइनल में वो चीनी ताइपे की जोड़ी से हार गए। लेकिन टेनिस से एक अच्छी खबर यह है कि रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जो मिक्स डबल्स की जोड़ी है वो फाइनल में पहुंच गई है, तो वहां भी गोल्ड या सिल्वर जो है वो आना तय हो गया है। इसके अलावा विमेंस स्क्वैश टीम इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सेमीफाइनल में भारतीय टीम हांगकांग से हार गई। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पदकों की बात करें तो आज बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है। पदकों की संख्या 30 से अब ज्यादा हो गई है और अभी ये और बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो एक लक्ष्य रखा गया है पदकों का कि अब की बार 100 पार, उस दिशा में भारतीय दल धीरे धीरे बढ़ रहा है। बल्कि शूटर्स तो बहुत तेजी में है। शूटर्स ने जो है अगर हम बात करें तो अब तक 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित 18 मेडल जीत लिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत इसी तरह से 19वें एशियन गेम्स में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखेगा। भारतीय दल को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।